ड्रामा सीरियल चांद गिरहन 1995 में पाकिस्तान टेलीविजन पर ऑन एयर हुआ, जिसकी 13 अकसात थी। इस ड्रामे के राइटर असगर नदीम सैयद थे, जबकि हिदायत दी ताजदार आलम ने। इस ड्रामे की कास्ट में जो लोग हयात हैं, उनके नाम ये हैं: आयाज नाइक, हुमा नवाब, फरियाल गोहर, शकील, साजिदा सैयद, अब्दुल्ला कादवानी, शीमा किरमानी, महमूद अख्तर, रूबी नियाजी, फरजाना इरफान, आफताब आलम, अनवर कमाल, शराफत अली शाह, कैसर नकवी और हनीफ राजा। जबकि जो फनकार फोत हो चुके हैं, उनके नाम ये हैं: शफी मोहम्मद शाह, ताहिरा वास्ती, गुलाब चांडियो, उबैदा अंसारी, काजी वाजिद, सुहेल असगर, लतीफ कपाड़िया, रोशन अता, याकूब जकरिया, ताज नियाजी, कमर मेमन और एमडी गोल। जबकि कुछ फनकार ऐसे भी हैं जिन्होंने काफी ड्रामों में काम किया, उनके तमाम ड्रामों के नाम मैं दर्ज कर रहा हूँ। ये फनकार अब मंजरे आम से गायब हैं, अल्लाह बेहतर जानता है ये हयात हैं या नहीं। उनके नाम ये हैं: ए.आर. रहमान, वकार होर और अनिल भट्टी। क्या लिया है मैंने, क्या फायदा हासिल किया है मैंने सियासत से? उल्टा खर्चा किया है, अपनी जेब से हर इलेक्शन में दिया है। पापा सही, इस खर्चे के बदले में आपको अना मिली है, शोहरत मिली है, नाम मिला जिसका कोई नेमो बदल नहीं है। इज्जत की भूखी ना होती ना तो इतने बड़े आदमी से शादी ना करती। पैसा तो मेरे पास भी था, लेकिन जब जहानिया शाह से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा तो फिर दिलबर दिलबर भूल जाओगी दिलबर को। तुमने घर छोड़ दिया?
जी नहीं, घर ने मुझे छोड़ दिया। बाप से झगड़ा हो गया कि? वैसे तुम्हें इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता? हाँ सही, दूसरे तो अपना नौकर बचाने के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, आप अपना बेटा नहीं बचा सके? सही, वफादार नौकर चोर बेटे से बेहतर होता है। ना 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 ना, ऐसे नहीं बोलते गुलबहार बेगम। हम जैसे लोगों के दिल तो तुम्हारी जुत्ती के नोक पर पड़े हैं। फिर वही बकवास।